गांव में जो छोटा छोटा लड़का बच्चा मर जाता है ना, वो बोलता है हमारा माँ डाइनी है, वो मार देता है। और ये पीक जैसा बांध के और बांस लगा कर बम्बू लगा करके खान में उठा करके ले गया है नदी के पार में लेके ऐसा कर। हर साल काली पूजा से ठीक एक दिन पहले वेस्ट बंगाल में भूत चतुर्दशी के नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन परलौकिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे दुनिया और परलौकिक दुनिया के बीच का जो पर्दा है वो कुछ समय के लिए हट जाता है और इसी दौरान कई बुरे शक्तियां हमारे धरती पर आ जाते हैं। इस दिन शाम होते ही घर के हर एंट्रेंस और हर कोने में 14 दिए जलाए जाते हैं अपने 14 पूर्वजों के आत्माओं को शांत करने के लिए और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक असुर का वध किया था। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कई तरह के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं कुछ सुपरनेचुरल शक्तियों को हासिल करने के लिए। अब इन सब के जरिए मैं आपको ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र के बारे में नहीं बल्कि बंगाल के बिलीव्स और सेंटिमेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम स्क्रिप्चर्स के मदद से एडवांस तंत्र के सीक्रेट्स को जानेंगे तब आप उन्हें नेगेटिवली ना लें, भले ही वो सुनने में कितना ही ज़्यादा अजीब और डरावना क्यों ना लगे। अब ब्लैक मैजिक के लिए बंगाल फेमस है, लेकिन इससे भी ज़्यादा फेमस और मिस्टीरियस जगह है असम का मायोंग विलेज। इस गांव को इंडिया का ब्लैक मैजिक कैपिटल भी कहा जाता है। इस गांव का नाम संस्कृत शब्द माया से आया है और इस गांव में एंटर करते ही आपको एक अलग सी वाइब महसूस होना शुरू हो जाएगी। लगभग हर गली में पाम रीडिंग करते हुए और लोगों की समस्याएँ दूर करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। इस जगह का एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री भी है। आज से कुछ साल पहले एक एक्सकवेशन के दौरान इस गांव के ज़मीन से बहुत सारे पुराने तलवार रिकवर हुए थे जो एक समय पर नरबली यानी कि इंसानों की बलि चढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते थे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत में जो भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसने भी अपनी विद्या और शक्ति इसी गांव से रिसीव किए थे। और एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहानी है कि औरंगजेब के राज में मोहम्मद शाह के करीब 1,00,000 सोल्जर्स इस गांव से गुजरते वक्त गायब हो चुके थे विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक के वजह से। इस गांव के हर गली में आपको तंत्र साधना करने वाले बाबाएं मिलेंगे और सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अभी भी ऐसे कई विलेजेस है जहां पर आज भी अगर लोगों को कोई बीमारी होती है तो वो डॉक्टर से ज़्यादा इन बाबाओं के पास जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या ये सब करना सही में पॉसिबल भी है या फिर क्या ये सब हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हुए हैं? ज़्यादातर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में किसी रैंडम कहानियाँ या फिर सोशल मीडिया के वीडियोस से पता चलता है, जबकि इन सब चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में बहुत ही डिटेल्स में बात की गई है। इसलिए सबसे पहले हम अथर्ववेद का ही रेफरेंस लेंगे इनको सीखने के लिए, क्योंकि ये एक वेद है इसलिए ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है। आज लोग तंत्र साधना को बहुत ही निगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन तंत्र या फिर अथर्ववेद की इम्पोर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ऐसा कहा जाता था कि जिस राज्य में एक अथर्ववेद का पंडित ना हो वो राज्य कभी सही तरीके से ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि अथर्ववेद को वैषज वेद भी कहा गया है। वैषज मतलब मेडिसिंस, और पूरे अथर्ववेद में आपको कई तरह के बीमारियों के मेडिसिंस और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिलेंगे। एक अथर्ववेद के पंडित को ब्रह्मा कहा जाता है और इनको चारों वेदों का ज्ञान होना कंपलसरी है। यज्ञ के दौरान अगर कहीं गलती होती है तो इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उन गलतियों को रिकॉग्नाइज करना और सही से शांति क्रिया करना ताकि उन गलतियों से होने वाले प्रॉब्लम से बचा जा सके। पूरे यज्ञ के दौरान इनका काम होता है कि यज्ञ को हर तरीके के नेगेटिव फोर्सेस और एनर्जीज से प्रोटेक्टेड रखे। अब अथर्ववेद के अंदर के कंटेंट्स को जानने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अथर्ववेद के दरअसल टोटल 9 शाखाएं हैं जिन्हें नवदा अथर्वनाम कहा जाता है, लेकिन आज के दिन में हमारे पास सिर्फ एक शाखा शौना शाखा ही मौजूद है।
बाकी 8 में से कुछ हमने खो दिए हैं और कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसलिए अभी हम जो कुछ भी जानेंगे वो सब अथर्ववेद के शौन शाखा का ही भाग है। अथर्ववेद के इस भाग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सूक्तास हैं, जिन्हें 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है भैषज ज्ञानी। इसमें आपको लगभग हर तरीके के बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाई और मंत्र मिलेंगे। इसमें कहा गया है कि बीमारियां मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक जो खाने पीने और एनवायरनमेंट के वजह से होती है और दूसरा जो हमारे कर्मों के वजह से होती है। अब खाने पीने से होने वाले बीमारियों को आप दवाई से सही कर सकते हैं, लेकिन कर्मों के वजह से आए हुए बीमारियों को सिर्फ अथर्ववेद के प्रोसीडियर्स से ही सही किया जा सकता है। इसमें आपको सर्दी, खांसी, ट्यूबरक्यूलोसिस और आँख, कान और नाक के द्वारा अंदर गए हुए जर्म से होने वाली बीमारियों के डिटेल्ड सिम्टम्स और दवाइयाँ मिलेंगे। इनफैक्ट जहर से बचने के लिए भी यहाँ पर कई हर्ब्स मेंशनड हैं। इसके पहले कांड के 11वें सूक्त में बच्चे की इजी डिलीवरी होने के लिए भी प्रोसीड्योर्स बताए गए हैं और इवन सर्जरीज के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद जो सूक्तस है उन्हें आयुष यानी कहा गया है। यहाँ आपको कई तरह के मंत्रस और प्रेयर्स मिलेंगे जिससे आप एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी सके। इसके बाद पौष्टिकानी सूक्त है। यहाँ पर ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिससे काम में सक्सेस और बिजनेस में ज़्यादा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिले। फिर आते हैं अभिचारिकानी सूक्त। ये मंत्र आपको हर नेगेटिव फोर्सेस से प्रोटेक्ट करता है और आपके खुशी में आने वाले हर इंसान को आपसे दूर कर देता है। इसके बाद प्रायश्चितानी में ऐसे मंत्रस हैं जो किसी रिचुअल या फिर पूजा में किए गए गलती के वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे बचने के लिए हैं। इसके बाद आते हैं स्त्रीकर्मानी, जो पर्टिकुलरली महिलाओं के सोशल और डोमेस्टिक ड्यूटीज़ और रिचुअल्स को सिखाते हैं। फिर राजकर्मानी में एक सक्सेसफुल और सफल राजा बनने के प्रोसीडियर्स के बारे में लिखे गए हैं। पापनी रहानी के मंत्रस आपको कुछ हद तक आपके बुरे कर्मों से बचाते हैं। ब्राह्मण यानी सुक्ताज में प्योर फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल रिचुअल्स बताए गए हैं। और आखिर में सौमनस यानी सुक्ताज हैं, जो लड़ाई झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए है। अब तंत्र का मतलब आप जो भी समझते थे, यहाँ पर आपको वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये अथर्ववेद का उन 9 भागों में से बस एक भाग है। बाकी 8 भाग हम खो चुके हैं और अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे ऋषियों ने नॉलेज को लिखने से ज़्यादा ओरली ट्रांसफ़र करने को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया था। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तंत्र सीखने के हमारे पास कुछ और भी सोर्सेस मौजूद हैं। सबसे पहली बात, एक तांत्रिक बनने के लिए एक गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में सारी नॉलेज हो, लेकिन इन रिचुअल्स को सही से फॉलो करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस सिद्ध गुरु की ज़रूरत है। दरअसल तंत्र साधना के 2 रास्ते हैं, वामाचार्य और दक्षिणाचार्य। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जैसे कि यज्ञ करना, मंत्रों के जरिए देवी देवताओं को खुश करना और कुछ सिद्धियां हासिल करना, इन सबको दक्षिणाचार्य कहा गया है। और दूसरी तरफ किसी को अपने वश में कर लेना, अपने शत्रुओं को ख़त्म करना, इल्यूशंस क्रिएट करना और जो कुछ भी आप ब्लैक मैजिक से समझते हैं, इन शक्तियों को हासिल करने के लिए जनरली लोग वामाचार्य के रास्ते को अपनाते हैं। दक्षिणाचार्य में कोई भी नॉर्मल ध्यान कर सकता है, लेकिन एक वामाचार्य के साधक को ध्यान करने से पहले अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार कुछ उग्र शक्तियों के साधना करते वक्त वो शक्तियाँ आपको डरा सकती हैं या फिर कई बार नुकसान भी पहुँचा देती है। वामाचार्य को फॉलो करने के लिए आपको निडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देवी देवताओं के डरावने फॉर्म और इवन कुछ असुरी ताकतों की भी साधना करेंगे। और ऐसे में अगर आप बार बार डर जाते हैं, फिर आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वामाचार्य के रास्ते को मेनली वो लोग अपनाते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी इन शक्तियों को हासिल करना होता है, क्योंकि वामाचार्य में मेनली तामसिक साधनाएं होती हैं जिनमें जल्दी सफलता मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणाचार्य का रास्ता बहुत ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसमें सफलता लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है एडवांस तंत्र सीखने की, जिसका मेन मकसद इन शक्तियों को हासिल करना होता है। लेकिन मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि तंत्र कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये बस हमारे इस यूनिवर्स की रियलिटी है। और तंत्र शब्द का मतलब भी वही है,
एक सिस्टम जो हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करे, हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को एक साथ मिला दे। लेकिन आजकल आपको तंत्र के नाम से सिर्फ सड़कों में मैजिक ट्रिक्स दिखाने वाले लोग मिलेंगे। आपने कभी ना कभी अफ्रीका के वुडू फेस्टिवल्स के इन वीडियोस को देखा होगा। इसे देखने हर साल बहुत दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं, और आपको भी एक सेकेंड के लिए लगा होगा कि ये वीडियोज रियल है। लेकिन रियलिटी में इन सब के अंदर एक इंसान छुपा होता है। उसी तरीके से मायोंग की जो घटोत्कच वाली कहानी है, उसका हमें पूरे महाभारत में कहीं भी मेंशन नहीं मिलती। ये बस एक लोकल कहानी है। और इसी तरह मोहम्मद शाह के 1,00,000 सोल्जर्स गायब हो जाना भी एक कहानी है, जिसका मेन सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया का 2012 का एक आर्टिकल है। हम अभी जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम तंत्र और ऐसी चीज़ों को पूरी तरीके से अब भूल जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों का अभी कोई इम्पोर्टेंस और ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी के इस साइड को जानना चाहते हैं, फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पतंजलि के योग सूत्रस को पढ़ें। वहाँ पर आपको ऐसे कई चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।